लेकिन पिछले दिनों में जो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने सीए के ऊपर अपना स्टैंड लिया उसके चलते बार बार इस बात पर मंथन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। श्रोमणी अकाली दल ने प्रेफर किया विधानसभा की सीटों को छोड़ना बजाय इसके कि अपने स्टैंड को छोड़े। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार मीटिंगों के अंदर ये कहा जा रहा था कि जो स्टैंड है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल का ऑन सीए की सभी लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जो उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और लास्टली पंजाब विधानसभा के अंदर भी अपने स्टैंड को क्लेरिफाई किया। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की मीटिंगों के दौरान इस बार बात पे बार बार चर्चा हुई कि श्रोमणी अकाली दल को इस स्टैंड को रिकंसिडर करना चाहिए। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की तरफ से ये बड़ा स्पष्ट कहा गया इस स्टैंड को किसी भी सूरत पे रिकंसिडर नहीं किया जा सकता। श्रोमणी अकाली दल बहुत लंबी भारतीय जनता पार्टी की साथी रही है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स, श्रोमणी अकाली दल का जो स्टैंड है वो हमेशा सरबत के भले का है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस देश को किसी भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। बार बार ये बात को दोहराया जाने लगा, हमने ये प्रेफर किया हम इस चुनाव को लड़ना ना पसंद करेंगे बजाय इसके कि हम अपने स्टैंड को बदलें।